आवेदन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं बगैर वीजा के, बगैर परमिशन के, जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गए यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा, यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में है। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। तीन बच्चों के सर रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम तीन बच्चों के साथ। अच्छा वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके तीन बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई? अच्छा वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी वो पहले वाले को? नहीं अब वो तो शौहर नहीं छोड़े सर। नहीं छोड़े? नहीं। अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ शौहर पहले का शौहर दुबई में सर, उसको नहीं छोड़े, उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर। तो मालूम ही नहीं यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी नहीं, कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो वकील साहब आप बोलो, आप ऐसे जानते हैं, आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं पहने को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, तीन बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर ली? जी सर। कन्वर्शन? तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बाबा। मेरा नाम सीमा सचिन है, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मैं मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं, जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। पबजी बन गई, पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। हाय दोस्तों, हमारे तवक्कल आयुर्वेदिक से ऑल इंडिया में कुरियर के ज़रिए हर बीमारी की दवा भेजी जाती है, आप भी ऑर्डर करके किसी भी बीमारी की दवा मंगवा सकते हैं। हमें यूट्यूब पर फॉलो करें तवक्कल आयुर्वेदिक, फेसबुक पेज पर फॉलो करें हकीम इब्राहिम पठान, गूगल वेबसाइट तवक्कल आयुर्वेदिक.com, इस पर हर बीमारी की दवा आपको मिल जाएगी।